नमस्कार मैं रुचि, आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। आइए देखते हैं पांच बड़ी खबरों में क्या कुछ है खास। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा, लखनऊ के होटल और रिजॉर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई, पुलिस से होटल रिजॉर्ट का ब्यौरा रखने को कहा गया, लखनऊ में बिना अनुमति नहीं उड़ सकेंगे ड्रोन। आज से कांग्रेस का प्रदेश में जोनल संवाद कार्यशाला, 11 से 18 जनवरी तक 6 जिलों में कार्यक्रम होंगे। कांग्रेस महासचिव अविनाश पांडे, अजय राय होंगे शामिल। जोनल संवाद एवं कार्यशालाओं का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के कई नेता भी शामिल होंगे। लक्ष्मण टीले वाली मस्जिद पर आज सुनवाई, मुस्लिम पक्ष सुनवाई का अवसर हुआ समाप्त। कोर्ट में आज हिंदू पक्ष की बहस सुनी जाएगी। सीनियर डिवीजन की कोर्ट नंबर 45 में होगी सुनवाई। आरएसएस ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर किया ट्वीट। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को मिला न्योता। देश में श्रीराम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है, ये बात आरएसएस की तरफ से कही गई है। वहीं इसके साथ ही उन्होंने कहा कि श्रीराम का मंदिर देश की मर्यादा की स्थापना है। उत्तर प्रदेश में कड़ाके की ठंड लगातार जारी, यूपी के कई जिलों में भीषण कोहरा, ठंड का कहर, भीषण ठंड, शीतलहर से तापमान में भारी गिरावट, लगातार ठंड होने से जनजीवन हो रहा प्रभावित।